मित्रों, ये बात सभी को मालूम है कि कलयुग जब अपने अंतिम चरण पर होगा, तब प्रभु नारायण के दसवें अवतार भगवान कल की धरती पर इस युग के दानव कली पुरुष का विनाश करने आएंगे। भगवान कल्कि को लेकर आपने कई बातें सुनी हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भगवान कल्कि की पत्नी कौन होगी? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दें कि कलयुग में कल्कि अवतार की दो पत्नियां होंगी, एक लक्ष्मी रूपी पद्मा और दूसरी वैष्णवी रूपी त्रिकुटा यानी रमा होंगी। उनकी पत्नी वैष्णवी को लेकर यह कहा जाता है कि उन्होंने त्रेता युग में ही अवतार ले लिया है। बता दें, त्रेता युग में दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम के राजा रहते थे। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय माता की आराधना में बिताते थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। वो अभी तक संतानहीन थे। एक दिन उनकी भक्ति से माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं। उन तीनों ने मिलकर अपने तेज का एक अंश भक्त रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने रत्नाकर के सपने में आकर बताया कि एक दिव्य बालिका उनके घर जन्म लेने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि उस बालिका के भक्तों की संख्या बहुत लंबी होगी और वो भविष्य में एक खास किरदार निभाएगी। कुछ समय बाद रत्नाकर के घर एक सुंदर सी लड़की ने जन्म लिया, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। उसमें हमेशा से ही ज्ञान पाने की इच्छा थी। समय के साथ उनको पता चला कि यह ज्ञान केवल ध्यान और तपस्या से ही पाया जा सकता है, जिसके बाद उन्होंने परिवार से दूर जाने का फैसला किया, क्योंकि इस ज्ञान को पाने के लिए परिवार छोड़ना बहुत जरूरी था। जब त्रिकुटा ने इस बारे में अपने माता पिता को बताया, तो उनके पिता भी उनके साथ एकांत स्थान पर जाने को तैयार हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी कोई साधारण बच्ची नहीं है। जिसके बाद त्रिकुटा ने अपनी तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, तभी एक दिन ऐसा आया जब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में थे, तभी त्रिकुटा से उनकी मुलाकात हुई। त्रिकुटा तुरंत समझ गई कि प्रभु श्री राम और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने प्रभु राम के चरणों में मस्तक रखा और फूल चढ़ाया। इसके साथ ही उनसे खुद में समाहित करने की गुजारिश की, जिसके जवाब में प्रभु राम ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुमको वैष्णवी नाम देता हूँ, लेकिन मैं अभी तुमको अपना नहीं सकता, पर एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम मुझे पहचान पाई तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। इतना कहकर प्रभु राम वहां से चले गए। समय बीतता जा रहा था, लेकिन त्रिकुटा अपने प्रभु राम का इंतजार करने से पीछे नहीं हट रही थी। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने आया और उसने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तभी त्रिकुटा ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि वो प्रभु राम की हो चुकी हैं और किसी भी वक्त वो उनको लेने आ सकते हैं। त्रिकुटा को एहसास हुआ कि उससे कुछ गलत हो गया है। जब तक वो समझ पाती तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री राम थे। त्रिकुटा ने श्री राम से माफी मांगी कि वो उनको पहचान नहीं पाई। तब प्रभु राम ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने का अभी यह सही समय नहीं है। इस युग में तो नहीं, लेकिन कलयुग में आप मेरी अर्धांगिनी बनेंगी। इसके बाद प्रभु राम ने कहा कि अगर वो उन्नर भारत के त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तप करेंगी, तब कलयुग में उन दोनों का विवाह होना और भी आसान होगा। इसके बाद वो त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गई और तप में विलीन हो गई। इसके बाद माता ने अपने मनुष्य रूप का त्याग कर दिया और तीन मुंह वाली पिंडी में समाहित हो गई। अब जब भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के राक्षस कली पुरुष के नाश के लिए होगा, तब उनका विवाह माता वैष्णवी से होगा। इसके साथ ही उनका विवाह पहमा से भी होगा। इसके अलावा उनके चार पुत्र भी होंगे, जय, विजय, मेघमाल और बलाहक। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा, और तो और यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। भगवान कल्कि को निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। गीता के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में भगवान कल्कि के बारे में लिखा गया है। गीता के अनुसार संभल गांव में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वो तपस्वी और तेज होंगे। प्रभु देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर कराल करवाल यानी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। पुराणों की माने तो जब कलयुग का अंतिम समय आएगा, तब ही कल्कि अवतार लेंगे और अधर्मियों को समाप्त करके एक बार फिर से धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। कहा जाता है कि अभी कलयुग का बस कुछ समय ही बीता है, इसलिए माना जाता है कि अभी इस अवतार के होने में लंबा समय लगेगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसका अभी पहला चरण ही चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से हुई थी, जब पांच ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 5119 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,881 साल अभी बाकी हैं।
तो मित्रों आपने जाना कि कहाँ रहती हैं कल्कि अवतार की होने वाली पत्नी माता त्रिकुटा। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।